गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं संदीप सिंह आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम एक्सपीरियंस, वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ, वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मुझे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो मेरे वीडियो परसेंटेज में वीडियो बना रहा था, दो या तीन पार्ट हुए थे उसके, अभी वो सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। देखिए क्या है, लोग कमेंट नहीं किए, कुछ लोग मुझे बताया कि आपका वीडियो क्लियर नहीं है, अच्छा उसमें मतलब क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने जो पढ़ाई वाला वीडियो उसको रोका हुआ है। कुछ समय में सब चीज़ें आ जाएंगी, अभी रिसोर्सेज कम है यार, पैसे भी कम है, मतलब पैसे भी, मैं आई एम स्टूडेंट, यू नो आई एम बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो पैसे उतने नहीं है कि रिसोर्सेज की इतनी उपलब्धता की जाए। लेकिन कुछ समय बाद मैंने व्यवस्था किया है कैमरे की, कुछ समय बाद कैमरा आ जाएगा तो मैं परसेंटेज की भी वीडियो बनाना शुरू करूंगा। जो मेरा चैनल का नाम है ट्रिकी मैथमेटिक्स बाय संदीप सिंह, उस पर बेस मैं हर चीज़ों को बताऊंगा आपको जो रिलेटेड है मैथ से, टॉपिक कुछ बताऊंगा, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन इससे मैंने शुरू किया कि कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो बोल के आदमी को समझ में आ जाए। तो आप मेरी आवाज़ को सुनिए, कंसंट्रेट रहिए, कुछ दिखेगा नहीं इसमें, क्लियरिटी की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरी आवाज़ आपके सामने आ रही बस, यही बहुत है, इसलिए मैं चीज़ों को बोल के बताता हूँ, इसमें टॉपिक भी ऐसे ले रहा हूँ कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो आज टॉपिक का नाम एक्सपीरियंस, मैं आज एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। देखिए एक्सपीरियंस, मैं बात करूँगा कि क्या है एक्सपीरियंस, क्या इसके फ़ायदे हैं घाटे हैं, एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस नहीं है उनके बीच क्या अंतर है, बहुत सारी बातें करूँगा, आप सुनते जाइए वीडियो में। देखिए एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है लोग उसी को पूछते हैं। आप चाहे जिस क्षेत्र में ले लीजिए, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका डिमांड है, हर जगह पूछा जाता है, इज द मोस्ट वांटेड पर्सन इन द पर्टिकुलर रीजन, द रीजन दैट पर्सन बिलोंग्स, उसमें उसकी मांग है, उसमें उसको पूछा जाता है अगर उसमें उसका एक्सपीरियंस है। आप खुद जानते होंगे कि एक किसी भी क्षेत्र में एक नए व्यक्ति और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, किसकी मांग है, किसका सम्मान है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन बात ये नहीं है, ये तो सबको पता है इसका एक्सपीरियंस के बारे में, इतना मैं बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ अभी, ना बता देता हूँ थोड़ा सा। तो एक्सपीरियंस में अभी आगे बात करता हूँ, आपको एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा कि एक्सपीरियंस के फ़ायदे क्या है। देखिए LLB की पढ़ाई, आप लोग LLB जो वकालत की पढ़ाई होती है LLB, तो बहुत से लोग LLB में पढ़े हुए थे, क्यों, लेकिन LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छा वकील उसी को माना जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके एक वकील, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, उसकी डिमांड है, उसकी मांग है, लोग उसको पूछेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ LLB केस में, अभी और सारे एग्जांपल दूंगा आपको तो आपको पता लगे एक्सपीरियंस। एक चीज़ और बता दूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर कटकेश शर्मा, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर कटकेश शर्मा इज द बेस्ट डॉक्टर इन आवर कंट्री, लोग विदेशों से उनके पास आते हैं। ऐसा क्या है उनके पास जो अदर डॉक्टर के पास नहीं है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस चीज है जो उनकी डिमांड को इतना बढ़ा दिया है। जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की 4 साल में, तो और उनके एज के उनके जो बैच के डॉक्टर थे उन्होंने भी पढ़ाई की, तो उनको उतना उनकी डिमांड उतनी क्यों नहीं है जितनी डॉक्टर कटकेश शर्मा जी की है, उसका कारण है। मैं आप बस यही पॉइंट है जो बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए एक्सपीरियंस जो होता है ना, जैसे आप 1 साल में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस 1 दिन से बना है ना, तो आप 1 दिन में जितना कार्य करते हैं, जितना ओवर करते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस 1 दिन का कार्य जुड़ के 1 सालों में बनता है। तो क्वांटिटी बात हो रही है, क्वांटिटी की, द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस इन 1 डे एंड दैट विल बी एडेड बिकम द एक्सपीरियंस ऑफ द 1 ईयर एंड द 1 ईयर इज एडेड द एक्सपीरियंस द होल ऑफ द एक्सपीरियंस बिकम द एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर इन द मेडिकल साइंस। जो मेडिकल क्षेत्र में 4 सालों का एक्सपीरियंस, लेकिन 4 सालों का एक्सपीरियंस जो लोगों ने पाया है मेडिकल में डॉक्टर कटकेश शर्मा के बैच के साथ, उसमें से बहुत सारे लोग थे, लेकिन 1 दिन का एक्सपीरियंस जिसका सबसे ज़्यादा था, उसका 4 साल का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हुआ, वही एक्सपीरियंस है जो डॉक्टर कटकेश शर्मा को आज इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इतना उनकी डिमांड है। क्यों, ऐसे केस मेडिकल की बात कर रहा हूँ, ऐसे आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो,
सबसे जरूरी चीज अपने एक दिन के कार को बढ़ाइए, वही एक दिन का कार आपका एक्सपीरियंस, एक साल का एक्सपीरियंस जब बनता है तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनता है। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में दो घंटे कार करते हैं और एक साल करते हैं, मेरे पास एक साल का एक्सपीरियंस, दैट्स नॉट गुड एक्सपीरियंस। आपकी डिमांड को कम करेगी, उतना नहीं बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू अदर वॉज योर कम्पिटिटर। दूसरी चीज आती है कि एक्सपीरियंस का जन्म कैसे होता है, मीन्स डैट एक्सपीरियंस आता कैसे, बहुत बड़ी चीज है। लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस आता कैसे, बात करता हूँ एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस वर्ड, मुझे मैंने कहा ना प्रैक्टिस वर्ड, मैंने चीजें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बने डिसीजन लीड, ये सब चीजें वर्ड सुनने में अच्छा लगता है। तो एक्सपीरियंस का जो जन्म हुआ है प्रैक्टिस से हुआ है, अगर आपके पास प्रैक्टिस है मीन्स डैट वन डे द प्रैक्टिस यू डू दैट विल बिकम एडेड एंड बिकम द एक्सपीरियंस ऑफ वन ईयर इन वन डे, एक दिन में एक साल का एक्सपीरियंस बनेगा आपका। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कहावत सुने होंगे आप लोग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसका क्या मतलब है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन, परफेक्ट का जो वहां अर्थ आता है वही आता है एक्सपीरियंस पर्सन। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है, अभ्यास आदमी को एक अनुभवी आदमी बनाता है, अंडरस्टूड। तो प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस का जन्म हुआ। और दूसरी चीज लोग कहते हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस का जन्म हुआ, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस, ये ऐसे लाइन से बने हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस। When we have a practice, when we do practice, the experience, there is existence of experience. When I have experience, there is existence of confidence. Dads are connected to each other. If anyone is absent in between three, then there is no connection. Connection is break. अगर आप experience आते हैं आपको practice करना पड़ेगा, एक दिन के practice को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर confidence आते हैं आपको experience बनना पड़ेगा, अभी आपकी डिमांड होगी। तो बस पूरे वीडियो में मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत चीज़ें बात की, एट लास्ट जो समरी है एक्सपीरियंस का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने एक दिन की एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, क्योंकि आप अपने एक दिन की एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे तो जो आपका एक साल का एक्सपीरियंस होगा जो वो आपको अलग बनाएगा और लोगों से, क्योंकि एक दिन का एक्सपीरियंस और लोगों को कम, उनको कम एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एक दिन में, आपका एक्सपीरियंस एक दिन का ज़्यादा हो रहा है, तो वही आपका एक साल में जो ऐड होगा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस पर से बनाएगा। तो वीडियो बनाने का यह उद्देश्य था, बहुत बहुत धन्यवाद।